इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। आज के वीडियो में हम इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर के बारे में समझेंगे और इन रजिस्टरों का उपयोग क्या होता है। साथ ही साथ हम इनवॉइस और चलान इनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर क्या होता है? इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर में कॉलम कैसे होते हैं? इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर का उपयोग क्या होता है? इनवॉइस और चलान दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों में कॉलम क्या क्या होते हैं? इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर क्या होता है? इनवर्ड रजिस्टर, अगर कोई भी वस्तु जैसे कि हाउसकीपिंग का मटेरियल, मेंटेनेंस का मटेरियल, कैंटीन का मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो ऑफिस के इस्तेमाल के लिए लाए जाते हैं, हम उसे इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री करते हैं। आउटवर्ड रजिस्टर, अगर कोई भी वस्तु जैसे कि कोई मशीन या किसी मशीन का पार्ट या ऑफिस की कोई भी चीज जो किसी कारणवश बिल्डिंग से बाहर जा रही हो तो उसकी एंट्री हम आउटवर्ड रजिस्टर में करते हैं। इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर में कॉलम कैसे होते हैं? इनवर्ड और आउटवर्ड का नंबर, इनवर्ड और आउटवर्ड की तारीख, इनवॉइस और चलान का नंबर, मटेरियल की पूरी जानकारी, मटेरियल इन डिस्क्रिप्शन, मटेरियल कितनी मात्रा में है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसे आया है, गाड़ी से या कोई व्यक्ति खुद लाया है, व्हीकल नंबर, मटेरियल लेने वाले का नाम, रिसीवर नेम, कोई नोट लिखनी हो तो रिमार्क कॉलम। इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर का उपयोग क्या होता है? बिल्डिंग में आने वाली और जाने वाली हर वस्तुओं पर हमें बारकाई से ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर कल कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम हमारे रजिस्टर के रिकॉर्ड को चेक करके बता सकते हैं कि वह वस्तु बिल्डिंग में कब आई थी और कौन लेकर आया था, या फिर वह वस्तु बिल्डिंग से कब बाहर गई थी और कौन लेकर गया था, यह तुरंत पता चल सके, जिसकी वजह से हमारी नौकरी पर भी कोई आंच नहीं आ सकती और हम हमारा काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, यह सबको मालूम हो सके। इनवॉइस और चलान दोनों में अंतर क्या होता है? इनवॉइस को हम बिल भी बोलते हैं। इनवॉइस और चलान में सब सेम ही होता है, बस एक ही फर्क होता है, जो कि इनवॉइस में हमें हर एक वस्तु की क्वांटिटी के साथ मूल्य प्राइस लिखी हुई होती है और चलान पर भी वस्तु की क्वांटिटी लिखी हुई होती है, लेकिन कोई भी वस्तु का दाम मूल्य नहीं लिखा होता। यह अंतर होता है इनवॉइस और चलान दोनों में, जिसकी सहायता से इनवॉइस और चलान दोनों में फर्क जान सकते हैं। इनवॉइस और चलान में कौन कौन से कॉलम होते हैं? इनवॉइस और चलान का नंबर, इनवॉइस और चलान की तारीख, मटेरियल क्या क्या है, मटेरियल इन डिस्क्रिप्शन, मटेरियल कितनी मात्रा में है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल भेजने वाले का नाम और पता, वेंडर नेम और एड्रेस, जहां मटेरियल भेजना है उनका नाम और पता, रिसीवर नेम एंड एड्रेस। तो आज हमने देखा इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर क्या होता है और इनवॉइस और चलान इन दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों, इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त परिवार में इसे शेयर कीजिए। अपना भी नॉलेज अपग्रेड कीजिए और अपने साथ वालों का भी। स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।